गुवाहाटी 200 को आराम से कट कर सकता है ये। भाई ये क्या है 215 में हैलोजन के इंडिकेटर। सो भाई हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर मंडल ऑफिस। दोस्तों तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यमा की R15 वर्जन 4। भाई देख लीजिए यहाँ पे वर्जन 4 यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यमा की न्यू R15। तो भाई आज जो है इस बाइक के बारे में आपको जानने को मिलेगी और इस गाड़ी के जो है ओनर से ही बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, भाई उनका क्या कहना है। तो भाई चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बुलाते हैं इस बाइक के ओनर को। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं अमृत भाई। तो भाई आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और भाई कैसे हैं? ठीक हूँ भैया। तो जो इन्हीं की जो ये बाइक है R15, और पहला जो सवाल भाई मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कितना आपने पे किया इस बाइक के लिए? 2,15,000। 2,15,000। तो कितना क्या किलोमीटर तक चला दिया आपने? 450 किलोमीटर। और आपने कब लिया था? March 14 को। अभी जस्ट 2022 मतलब? हाँ, 2022 March 14। तो मार्च अभी जो है चल रहा है, अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक महीना हुआ 14 को। अच्छा एक महीना अब जस्ट हुआ है, तो एक महीने में 485 किलोमीटर आपने चला दिया है। तो भैया पहले बताइए कि इस गाड़ी के साथ आपने और किसी गाड़ी को मतलब देखा था क्या इसके अलावा? अपाचे RT 200। ओके, तो फिर क्या हो गया उसमें? ज़्यादा स्पोर्ट्स पेयरिंग बाइक पसंद आ गई और नई लॉन्च भी हुई थी, अच्छी भी दिख रही थी। तो V3 से काफ़ी अच्छी लग रही है V4। हाँ। क्या क्या इसमें चेंज किया है V4 में? आगे का सस्पेंशन अप्स एंड डाउन। USD का सस्पेंशन लगा दिया नहीं? हाँ। ओके देन क्विक शिफ्टर। हाँ। ओके देन कंसोल बड़ा वाला। अच्छा। डिजिटल कंसोल पूरा। फिर लाइट DRL दिया है और LED के साथ। अच्छा आगे का जो हेडलाइट है उसको भी चेंज कर दिया है, पुराना में LED था खाली। और एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसका जो रियर सेक्शन है ये भी शायद चेंज किया है ना? हाँ, ये वाला पोर्शन पहले नैरो था, ये वाला अब थोड़ा वाइड कर दिया है। तो भाई इसका जो वाइड होने का कोई भी नेगेटिव लगता है क्या आपको? हाँ, आप जैसे कोई बैठेगा तो टूट जाएगा भैया। मेरे इतना हाइट का बंदा? हाँ, आप जैसे हाइट का नहीं, कोई भी नॉर्मली हेवी बल्क इंसान बैठेगा तो इसका मतलब थाई प्रेशर गिरेगा और टूट जाएगा। अच्छा तो ये क्या आपको पहले पता नहीं था क्या? नहीं था भैया, पुराना मॉडल में थोड़ा नैरो था। अच्छा तो अभी जो थोड़ा वाइड कर दिया, दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये जो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और सीटिंग कुशनिंग भी बहुत कम है, Version 3 का थोड़ा ज्यादा था। अच्छा ये कुशनिंग ज्यादा नहीं है ना? हाँ। तो वही सब पहले आपने देखा नहीं था बाइक में या लेने के बाद आपको पता चला? देखा था भैया बट पसंद आ गई। अच्छा फेयरिंग बाइक पसंद आ गई तो इसलिए सब कुछ जो है आपने साइड कर दिया, अवॉइड कर दिया कि भाई होने दो बाकी देखते हैं क्या होता है। सोलो चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके तो 155 cc की बाइक है लेकिन 2015 आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं लगा? हाँ ज़्यादा है। तो कितना आपको ज़्यादा देना पड़ा आपके हिसाब से? मतलब जैसे कि अभी प्राइस बढ़ रहा है उसी हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपको। मुझे ये लगता था 2 लाख में आ जाना चाहिए। अच्छा तो आपने जब लिया 2,15,000 देनी पड़ी, लेकिन उससे पहले कितना क्या था इसका प्राइस? 2,08,000 ब्लू कलर का। 2,08,000 था। हाँ। तो मतलब ये फरवरी के महीने में था इसका प्राइस? क्या जनवरी का महीने, दिसंबर के महीने में था, दिसंबर में था। अभी जब आपने लिया मार्च में तो अब इसका जो प्राइस बढ़ गया था 2,15,000 हो गया था। तो भाई बाइक में क्या क्या सब फीचर दिया थोड़ा दिखाइए, जैसे आपने कहा क्या क्या सब चेंज हुआ है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज हुआ है भैया। ओके एक तो स्पोर्ट्स मोड दिया। अच्छा भाई ये रहा इसका कंसोल। हाँ डिजिटली ये वाला चेंज होता है खाली। अच्छा एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे हो गया यहाँ पे? हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है। अच्छा 155 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल? हाँ भैया उसका अच्छा पैसा ले लिया होगा। हाँ कुछ चाहिए भी नहीं बट दिया है और क्या। अच्छा वाला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ट्रैक्शन कंट्रोल ने। तो भाई ये रहा इसका कंसोल, जैसे कि देख पा रहे हैं फुली डिजिटल में दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड है ये वाला, लैप टाइम दिखाता है। अच्छा ये कितना मोड है इसमें गाड़ी बाइक में? दो ही है, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। हाँ अच्छा नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड में जो गाड़ी, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, खाली कंसोल में खाली ये चेंज होता है, लैप टाइम दिखाता है बस और कुछ नहीं है। हाँ इतना ही है नहीं, बाकी ये इसका माइलेज वगैरह आप चेक किए हैं क्या? अभी तक तो नहीं भैया, फिर भी कुछ भी अगर आप जहाँ तक लगा 35-36 दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी बोलती है 45 बोलती है। हाँ दिखाता है भैया, दिखाता है लेकिन हाँ 50 दिखाता है। एक तो मेरा दोस्त का वर्जन था उसका 50 पूरा वेल मेंटेन है। वर्जन 3 का सेम ही तो है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इंजन में। इंजन तो सब वही, मतलब वर्जन 3 में जो इंजन है इसी में सेम इंजन है, कुछ नहीं है। तो 50 तक वहाँ पे, लेकिन अभी तक आपने इस बाइक में चेक नहीं किया? नहीं नहीं, लेकिन कंपनी बोलती है 45 तक दे देगी ये गाड़ी। हाँ 45 दे देगी आराम से।
तो भाई पॉजिटिव जैसे कि आपने कहा फेयरिंग बैग आपको पसंद है, उसके अलावा आपने और क्या क्या जो है आपको ये चीज़ें आपको अच्छी लगी इस बाइक में जिसकी वजह से आपने इस बाइक को लिया है? अप्स एंड डाउन सस्पेंशन, यूएसडी, देन फिर आगे का DRLR, अच्छा लुक, हाँ लुक, वही लुक थी आपको मतलब पैसे देने के लिए मजबूर कर दी? नहीं हाँ, क्या भी इसका लुक जो है देख लीजिए यहाँ पे वर्जन 3 से जो है और भी काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रेसिव लुक दे रही है अभी इसका यहाँ पे। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे इसका जो DRL का यहाँ सेक्शन है, इसका जो हेडलर का सेक्शन है पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, बीच में आपको यहाँ पे LED मिल जाती है। भाई ये क्या है 2,15,000 में हैलोजन के इंडिकेटर? हाँ भैया हाँ, एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए 2,000 देना पड़ता है। और ओके भाई 2,15,000 में यहाँ पे इनको हैलोजन का इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है जैसे कि रॉयल एनफील्ड होगी। हाँ पूरा रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड के लिए अगर आप 2,500,000 देते हैं तो भी आपको जो सब कुछ हैलोजन मिलता है। ये वाइब्रेशन भी करता है भैया ये वाला। हाँ 2,15,000 भाई देखिए यहाँ पे देखिए मटेरियल का देखिए ये हिल रहा है हल्का फुल्का, सब कुछ फाइबर आइटम में है। हाँ लेकिन भाई स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट जैसे कि ये बाइक है फेयरिंग बाइक है तो यहाँ पे एटलीस्ट LED हम मतलब सब कुछ LED में दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे दिए हैं इंडिकेटर। और भाई देखिए ये देखिए फिट एंड फिनिश देख रहे हैं तो भाई पूरा हिल रहा है, ये भी हिल रहा है इसके साथ स्पेशली वाला देखिए यहाँ पे देखिए भाई गैपिंग, भाई इसको आप ज़रूर दिखाएगा सर्विस सेंटर में ऐसे पूरा हिल रहा है पूरा इस यहाँ पे भाई देखिए फिट एंड फिनिश, यहाँ पे भाई देखिए फिट एंड फिनिश का इशू है। देखिए भाई भाई अगर आप 2,15,000 दे रहे हैं एक बाइक के लिए तो भाई एटलीस्ट इतना तो कंपनी को करना चाहिए था ना, LED तो है मतलब देना चाहिए था लेकिन फिट एंड फिनिश को देखिए। फिट एंड फिनिश के साथ भैया एक्स्ट्रा लगा रहे तो 2,000-2,500 गिर रहा है कंपनी वाले बोले। हाँ आता है इसके साथ, ओके ऐड कर सकते हो बट ऐड करने के लिए 2,000 ज़्यादा देना पड़ेगा तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस बाइक को लेके इनके डीलरशिप के साथ? 45 डेज वेटिंग करना पड़ता है बाइक का। 45 डेज मतलब एनफील्ड होगी पूरी एनफील्ड में तो उतना ही आपको वेटिंग करना पड़ता है तो 45 ज़्यादा भी करना पड़ता है भैया, हाँ, लक के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा पैसे भी देंगे और लक के ऊपर डिपेंड भी करना हाँ। पड़ेगा तो बुकिंग प्राइस कितना देना पड़ा आपको? 20,000 भैया। 20,000 दिन के बाद फिर आपको 45 डेज के बाद जो है गाड़ी मिल गई। तो इसके और भी कलर आते हैं ना जैसे कि MotoGP वगैरह ऐसा कलर आता है? वो 6,000 ज़्यादा कॉस्टली है भैया। अच्छा कलर के हिसाब से मॉन्स्टर एडिशन ज़्यादा फर्क नहीं है जो R15M से। अच्छा 100-200 का डिफरेंस है उसमें। मॉन्स्टर में बट प्राइसिंग में डिफरेंस थोड़ा है। एम वाला मॉडल 5,000-6,000 ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा तो कलर के हिसाब से आपको प्राइस भी उसी देना पड़ेगा। इसमें चेंज है मतलब सस्पेंशन में यहाँ पर कैप लिखा कैप रहेगा वहाँ पर लिखा होगा R15M वो वाला मॉडल में। अच्छा यहाँ पे नहीं। हाँ लेकिन यार सब सिंपल दिया गया है। हाँ और सीट थोड़ा अलग है उसका। सीट में यानी ग्राफिक्स वगैरह दिया क्या? नहीं ग्राफिक्स नहीं है वो सीट थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का है। अच्छा पैटर्न वगैरह यहाँ पे दिया होगा। हाँ यहाँ पे R15 लिखा रहेगा M। अच्छा थोड़ा बहुत जो चेंज किया है ग्राफिक्स के मामले में डिजाइन के मामले डिजाइन तो नहीं ग्राफिक्स के मामले में चेंज कर दिया और 6,000 आपको ज़्यादा 6,000 तक से भी ज़्यादा। हाँ हम एक एप्रोक्स बोल रहे हैं कि 6,000 तक जो है आपको ज़्यादा देने में, लेकिन भाई जैसे कि सिटी टू सिटी थोड़ा जो है डिफर करता है इसके अंडर प्राइसिंग में, तो आप अपने शहर में भी देख लीजिएगा कितना क्या आपको प्राइस देनी पड़ेगी इस बाइक के लिए। तो भाई अभी बताइए कि गाड़ी चलाने में कैसे मतलब इसका जो पोस्चर है सीटिंग पोस्चर वो कैसा है? बहुत एग्रेसिव है भैया, आप जैसे लड़के चलाने के लिए रिस्ट और पाम में तो प्रेशर गिरेगा, रिस्ट पाम और शोल्डर में, क्योंकि पूरा लीन होके चलाना पड़ता है गाड़ी को। भाई देखिए थोड़ा बैठ के दिखाए भाई, मैं देखिए पूरा जो है आपको डाउन होना पड़ेगा। मेरे में भी गिर रहा था फिर यूज टू हो गया, पर हेवी वेट वाले के ऊपर तो ज्यादा गिरेगा। अच्छा पूरा डाउन होके पिलियन बैठा है तो ऑब्वियसली रिस्ट में गिरता है भैया जब पिलियन बैठा के चलेंगे। अच्छा तो ऐसा कुछ पोस्टर आपको देखने को मिलेगा भाई, पूरा आपको जो है डाउन लॉन्ग राइड नहीं कर सकते आप इंडियन बैठा के लॉन्ग राइड करेंगे तो बैक पेन होना चालू हो जाएगा। हाँ बैक पेन से पहले रिस्ट पेन आप चला नहीं पाएंगे, आप तो ज़्यादा टाइम नहीं चला पाएंगे, 50 किलोमीटर चला नहीं पाएंगे आराम से। 100 तो जुड़े 50 किलोमीटर तक तो आपका पेन शुरू कर देगा शोल्डर और पाम। तो सर्विसिंग के बारे में आपने किसी को पूछा था जैसे कि आपने कहा आपने आपका जो फ्रेंड वो वर्जन 3 लिया है? हाँ। तो ये राउकला में इसका सर्विसिंग वगैरह कैसा क्या है और उसका कॉस्ट वगैरह पूछे थे आप? डीलरशिप से पूछा था, उन लोग बोल रहे थे यामा ऑयल जो इंजन ऑयल आता है तो 1600 का ना 1400 ना 1600 का आता है। मैं बोला इतना क्यों महंगा यामा का? हाँ और तो एक बार डाल दो तो दो सर्विसिंग निकल जाएगा, फर्स्ट सर्विसिंग में डाल दो तो सेकंड सर्विसिंग में नहीं चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करना पड़ेगा।
बट मेरा फ्रेंड बोला नॉर्मल वाला डालना, चेंज कर लेना, उसका जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल कितने में आ जाता है फिर भी? नॉर्मल 600-700 समथिंग। वही एक ही बात हो गया, 700-1400। हाँ, और आप 700 डाल रहे हो और क्या। ठीक है, तो भाई दोस्तों मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा दूं। मैं देखिए, ये रहा आरन 5 वर्जन 4 है भाई। पूरी तरह से यहाँ पे आपको एक अग्रेसिव फायरिंग बाइक देखने को मिलेगी। स्पेशली जो इसका फ्रंट का सेक्शन है भाई, पूरी तरह से आप जो है अग्रेसिव लगती है। वर्जन 3 से जो है पूरी तरह से चेंज आपको मिलेगी। ब्लू कलर की आपको यहाँ पे अवेलेबल दी गई है। डुअल चैनल एवीएस के साथ आती है। लिक्विड कूल इंजन इसमें दिया गया है। और भाई देखिए फायरिंग, देखिए भाई साइड से पूरी तरह से जो आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट की हर एक जो है चीज़ को। ये 155 cc की बाइक है भाई, 155 cc की बाइक, लेकिन फुल जो है फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक में आती है। और ज़्यादा जो है आजकल के यंग जनरेशन को जो है ये अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। और यामा काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे मॉडल लेके, लेकिन प्राइस भाई 2,15,000 आपको देनी पड़ेगी इस बाइक के लिए। बाकी कलर अगर आप चूज करते हैं दूसरा, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। बाकी भाई इसका थोड़ा सा एग्जॉस्ट का साउंड सुना दीजिए, एग्जॉस्ट का साउंड कैसा क्या है। तो भाई पावर फिगर के मामले में गाड़ी कैसी है? 18.4 bhp है इसका। अच्छा, तो पावर बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक ही है, 155 cc हिसाब से ठीक ही है। ये ज़्यादा है देखने में, क्योंकि आरटीए 200 को आराम से कट कर सकता है ये, क्योंकि पेयरिंग बाइक है। तो आपने कभी ट्राई किया था क्या? मेरा दोस्त ट्राई किया था, मैं तो नहीं किया हूँ अभी तक। अच्छा, तो आराम से कट कर सकता है, क्योंकि वो नेकेड हो जा रहा है। तो कर सकता है वो ना, उसने जो बीट कर दिया था, ऐसा कुछ कर दिया था, आराम से कर दिया था। तो उसने मतलब फुल स्ट्रीम करोगे तो आराम से कट हो जाएगा, आराम से। और ऊपर से पेयरिंग बाइक है। अच्छा, विंड नहीं लगता ना ज्यादा, तो वही चीज है। 155 cc में जितना होना चाहिए जो पावर फिगर उतना है। लेकिन आपको चलाने में गाड़ी कैसी लगती है बताइए? ठीक लगती है, ठीक ही ठाक है। तो अभी तक एवरेज स्पीड से ऊपर कभी गए क्या, मतलब 60-70 के ऊपर कभी गए हैं? नहीं, उतना नहीं गया हूँ अभी तक। तो 60-70 में कितना, कैसा कैसा स्टेबिलिटी है? ठीक ही है, सिटी में ठीक ही है। जा मतलब हीट होती है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी हीट भी होती है? हाँ, ये तो लिक्विड कूल इंजन है ना, हीट होती है। ये वाली मॉडल क्यों ज़्यादा हीट होती है। अच्छा, तो बार बार जो इसका रेडिएटर ऑन हो जाता होगा, हो जाता है पंखा। तो एक इशू ये भी शायद आप बोल सकते हैं कि गाड़ी में हीटिंग इशू थोड़ा सा ज़्यादा है, पर गाड़ी बंद नहीं होगी कभी। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं, फर्स्ट गियर में मतलब KTM में थोड़ा ये दिखाता है, पर इसमें फर्स्ट गियर में आराम से, सिटी में फर्स्ट सेकंड गियर में आराम से कट कर सकते हो, आराम से चला सकते हो। 6 गियर इस बाइक में दिया है। हाँ, तो पूरा 6 गियर यूज किए हैं? हाँ, बट उतना पुश नहीं किया, उसे 80 तक गया है गाड़ी अभी तक। अच्छा, तो अभी तक उतना एक्सट्रीम तक इसको नहीं पहुँचाया है। हाँ, तो इसमें एक्सेसरी वगैरह कुछ लगाया है क्या इस बाइक में? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा है, वैसे ही का वैसे ही है। सीट कवर भी कंपनी मतलब आप बोले थे क्या कंपनी वाला? बोला था सीट कवर भैया लगा दो, 2,15,000 की बाइक है। उन्होंने बोला नहीं, नहीं दे सकते, बाहर से लगाओ। बाहर से नहीं, उसके लिए सीट है ही नहीं हम लोगों के पास, अभी बुकिंग कराओ आप लगाना। अच्छा, 700 है इसका सीट कवर। अच्छा, इसका प्राइस, सीट कवर का प्राइस। हाँ, और इसका जो इंडिकेटर कितना क्या उसका प्राइस बोले? मैं भी 2,500 समथिंग LED करवाने के लिए। हाँ, LED ओरिजिनल यामा के तरफ से जो आता है। अच्छा, तो यामा की बाइक में अगर आपको सीट कवर भी डालना होगा तो उसके लिए भी आपको जो है थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, और आपको 700 तक आपको जो है प्राइस देनी पड़ेगी। बाकी स्प्लिट सीट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, अगर कोई मतलब घर में कोई बैठ पाएगा क्या इसके रियर सीट में? नहीं, घर में फैमिली मेंबर नहीं, नहीं कोई नहीं बैठ पाया। इतना ऊँचा यहाँ पर इसका मिल जाता है इसका रियर सीट पर, देखिए फैमिली ऊँचा नहीं है बाकी सब गाड़ी से, बट सीट का कुशनिंग बहुत खराब है भैया, बहुत नैरो भी दिया है। हाँ, नैरो भी है, नैरो कंफर्टेबल कोई ये नहीं कर सकता। जो भी वाइड करना था ना भाई, कंपनी ने इसको कर दिया है। हाँ, लेकिन इसको वाइड करना चाहते मेनली, कुशनिंग तो देना चाहिए था एटलीस्ट, कम क्यों कट कर दिया। वर्जन 3 में कुशनिंग था भैया। हाँ, लेकिन वर्जन 4 में इसको कट कर दिया है, ज्यादा नहीं है कुशनिंग। और स्पेशली मेरे को जितना लग रहा है कि भाई इसको वाइड करने के अलावा अगर इसको सीट को वाइड करता तो थोड़ा सा जो है अच्छा होता मेरे हिसाब से। हाँ, पीछे बैठने थोड़ा सा कंफर्ट लगता। ब्लैक वाला मॉडल में क्विक शिफ्टर नहीं आता है। अच्छा, ये वाला मॉडल में आता है।
ब्लू कलर का? हाँ, ब्लू में आता है और एम में आता है, मॉन्स्टर में आता है, और रेड और ब्लैक में नहीं आता है। क्विक शिफ्टर का? अच्छा, उसका प्राइस भी लेस है इसके हिसाब से? हाँ, पुराना प्राइस बोल दे रहा हूँ, 2,06,000 था रेड वाला मॉडल, और अभी पीक हो गया होगा कितना पता नहीं, अभी तो बढ़ ही रहा है। तीन महीने में तो एक बार बढ़ ही रहा है प्राइस। पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है और ये गाड़ी का प्राइस भी बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों देख लीजिए पहले भाई, बाइक ये है R15 की वर्जन 4, और यही था आज का वीडियो। तो भाई अमृत भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, और थैंक यू भैया, जो फर्स्ट इनकी ये स्पेयरिंग बाइक है, इनकी फैमिली के लिए भी और इनके लिए भी। तो होप सो ये जो है इनके लिए अच्छी एक बाइक साबित हो, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आई मीन दिक्कत आपके लिए ना लेके आए। तो भाई दोस्तों यही था आज का वीडियो R15 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।